Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to review a book jiska naam hai 10 minutes 38 seconds in this strange world. Ye ek novel hai Alif Shafak ka, who is also the author of a famous book 40 Rules of Love. The book was also among the shortlisted books for the Booker's Award 2019. It is worth reading. 10 minutes 38 seconds ek ladki ki kahani hai जो टर्की के एक स्मॉल टाउन में पैदा होती है. तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि वो लड़की मर चुकी है और अब उसकी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं सारी. 2017 में कनाडा में एक डॉक्टर ने ये बात ऑब्जर्व की थी दैट ह्यूमन ब्रेन वर्क्स फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स इवन आफ्टर द पर्सन इज क्लिनिकली डिक्लेयर्ड डेड. उसी चीज़ को बेस बना के पूरी ये स्टोरी है कि उन 10 मिनट्स 38 सेकंड्स के अंदर जो उस लड़की की डेथ के बाद हैं वो रिकॉल कर रही है अपनी सारी मेमोरीज़ को. और उसमें वो उसके बचपन से जब वो पैदा होती है तब से उसकी डेथ तक के सारे इवेंट्स रिकॉल होते हैं. द नेम ऑफ द गर्ल इज़ टक्वीला लैला हु वर्क्स इन ए ब्रॉडल. और वहाँ तक वो कैसे पहुँचती है इन द अर्ली एजेस ऑफ हर लाइफ वंस द गर्ल लैला वॉज sexually harassed by one of her very close relatives. ये और इस तरह के और भी बहुत सारे events relate कर रहे होते हैं उसकी life के साथ. और finally वो इस्तांबुल चली जाती है, वहाँ पर कोई बंदा उसको बेच देता है और वहाँ वो एक brothel में काम करना शुरू कर देती है. और फिर उसके दोस्त होते हैं कुछ, और उन दोस्तों की भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है कि किस तरह कोई ब्लड रिलेशन होने के बगैर भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं. दे वर जस्ट लाइक फैमिली. वन ऑफ द फ्रेंड्स वॉज ट्रांस. और इस तरह से जितने भी उसके फ्रेंड्स होते हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के ही होते हैं. नॉवल में सोशल प्रेशर्स और सो कॉल्ड नॉर्म्स और जो जनरल परसेप्शन होती है लोगों की टूवर्ड्स पर्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ चीज़ों के बारे में जो सोच होती है उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया. उसके अलावा हिस्ट्री के साथ बड़े अच्छे तरीके से रिलेट किया है. पुराने ज़माने में अगर हम देखें जो एंशियंट सिटीज़ है वहाँ पे वॉल्स होती थी, तो इसके अंदर एक ब्रिज बना है टर्की में. तो जब वो ब्रिज बनता है तो उसकी कंस्ट्रक्शन वॉज सेलिब्रेटेड. अगर हम देखें तो ब्रिज एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं लोगों को और वॉल्स डिवाइड करती हैं, तो उस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया गया है. नॉवल बेसिकली 20th सेंचुरी के टाइम को डिपेक्ट कर रहा है, तो उसमें प्रोलेटेरिएट और बर्जोइसेस और कम्युनिस्ट एक्टिविज्म की बातें भी हैं और किस तरह से उस एक्टिविज्म को क्रश किया जाता है. वो पार्ट्स जहाँ पे उस लड़की की लाइफ सारी रिकॉल हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और उसके बाद फाइनली जब उसकी डेथ हो जाती है, शी वॉज मर्डर्ड, तो उसकी डेड बॉडी को उसके घर वाले लेने से इनकार कर देते हैं और वो उसके फ्रेंड्स चाहते हैं कि हम इसकी डेड बॉडी को रिसीव कर लें, लेकिन वो उनको नहीं दी जाती क्योंकि वो लीगली अलाउड नहीं होता. और फिर एक कब्रिस्तान जो कि सिमेट्री ऑफ कंपेनियन लेस है, जहाँ पे वो लोग दफन होते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता, देयर शी वॉज बरीड. तो उसके फ्रेंड्स भी ये डिसाइड करते हैं कि हमने इसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकालना है बिकॉज शी डजंट डिजर्व दिस प्लेस. दिस इज हाउ द होल स्टोरी इज. द इनिशियल पार्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग बट एंडिंग वाला पार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने शुरू वाले पार्ट्स हैं. इसमें जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है वो ये कि किस तरह से घर का माहौल बच्चों के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है और वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं वो चीज़ें अपने सराउंडिंग्स से. एक मदर की मेंटल हेल्थ कैसे बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, ये सारी चीज़ें ये भी बताती हैं कि उस राइटर की कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितना एक्सपीरियंस है और कितनी नॉलेज है उसके पास, ना सिर्फ प्रेजेंट की बल्कि हिस्ट्री की भी. और वो सोसाइटी के ऊपर एक क्रिटिकल ओपिनियन रखता है. रिसेंटली एक पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में काफ़ी मीम्स थी कि कोई CSS के एग्ज़ाम देता है और दो महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाता है. सो वी ऑल नो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स कि वो इस तरह से नहीं है और दिस वॉज टू मच एग्जैजरेटेड. तो यू नो दीज आर द थिंग्स विच शो कि एक राइटर को अपनी थाट्स और नॉलेज में बहुत क्लियर और सही होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटी को दे आर गोइंग टू अफेक्ट. इस हवाले से भी अगर हम इस बुक को देखें तो इसमें राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को एक स्टोरी की फॉर्म में पोर्ट्रे किया है. ओवरऑल इट इज़ ए गुड बुक. हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है. इफ़ यू हैव रेड इट और यू आर गोइंग टू रीड इट, प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन. और आपको ये कैसी लगी और कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ शेयर योर थाट्स अबाउट द बुक विद अस इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.